दोस्तों सैटरडे यानी कि 20 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स की हो रही है घर वापसी। भैया अरुण जेटली स्टेडियम में खेलेगी आईपीएल 2024 का पहला मुकाबला। अब क्या सैटरडे को भाई दिल्ली की जनता को मिलेगी खुशियों की सौगात, या पिछले सीजन की तरह ही इस बार भी एसआरएच के हाथों हार का सामना करना पड़ेगा। भाई लोग लास्ट सीजन में अगर आप देखें तो अरुण जेटली स्टेडियम में 7 मुकाबले हुए थे और मात्र 2 मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स अपने गढ़ में जीत पाई थी, और इस बार भाई सीधे एसआरएच से मुकाबला हो रहा है। हैदराबाद ऑलरेडी पिछले सीजन में यहां पर दिल्ली को हरा चुकी है, तो ऐसे में भाई इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट का क्या रिजल्ट निकल सकता है, क्या होने वाला है प्रेडिक्शन और कौन सी होगी प्रोबेबल प्लेइंग 11, कैसा है अरुण जेटली का हाल फिलहाल स्टेडियम, कैसे हैं स्टैट्स, सभी पर मैं डिटेल चर्चा करूंगा और साथ ही साथ आईपीएल बोनांजा के मात्र 2 सवाल आपके समक्ष रखूंगा जिसके सही जवाब देने पर आप जीत सकते हैं कैश प्राइज। तो भाई देर किस बात की, शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की वेन्यू से। दोस्तों ओवरऑल अगर हम अरुण जेटली स्टेडियम पर नजर डालें तो 84 T20 फॉर्मेट के मैचेस हुए हैं, 38 मैचेस फर्स्ट बैटिंग करते हुए और 46 मुकाबले सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने अपने नाम करे हैं। टॉस जीतकर सेकंड बैटिंग करना यहां पर फायदेमंद साबित होगा क्योंकि पिछले सीजन भी सेकंड बैटिंग करने वाली टीम्स का पलड़ा भारी रहा था। अब यहां पे अगर आप देखें तो हाईएस्ट स्कोर दिल्ली कैपिटल्स का है 231 रन और लोएस्ट स्कोर भी कोइंसिडेंटली दिल्ली ने बनाया है 66 रन 10 विकेट पर। अब अगर बात करी जाए स्कोरिंग पैटर्न की तो 150 से नीचे 22 बार स्कोर गया है, 150 से 169 के बीच गया है 23 बार, 170 से 189 के बीच 22 बार और 17 बार स्कोर 190 पार जा चुका है। ये तो होती है बात बल्लेबाजी की। अब फोकस करते हैं गेंदबाजी पर। पिछले सीजन के रिकॉर्ड्स आपके समक्ष आ चुके हैं। भाई लोग आईपीएल 2024 में अगर अरुण जेटली स्टेडियम की बात करी जाए तो टोटल 7 मैचेस में 72 विकेट चटकाए गए थे, 41 विकेट पेसर्स ने और 31 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे थे। थोड़ा बहुत लमसम अगर आप देखें तो पेसर्स और स्पिनर्स दोनों को ही यहां पर फायदा हो सकता है, बट इन स्टैट्स को देखते हुए पेसर्स पर ज्यादा दाव लगाया जा सकता है। वेल ये तो थे स्टैट्स वेन्यू के, बढ़ते हैं आगे और हेड टू हेड कंपैरिजन पर भी फोकस कर लेते हैं। भाई लोग अभी तक टोटल 23 मैचेस दोनों टीम्स के बीच हुए हैं, 11 मुकाबले भाई जीती है दिल्ली कैपिटल्स और 12 मैचेस में सनराइजर्स हैदराबाद का परचम लहरा है, लेकिन लास्ट 5 मुकाबलों की जब आप बात करते हैं तो यहां पर समीकरण बदलता दिखाई दिया है। 4 मैचेस दिल्ली कैपिटल्स ने जीते और मात्र 1 मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के नाम रहा है। अब दोस्तों एक और छोटा सा स्टैट्स, एक और छोटा सा फैक्ट आपके सामने रख देता हूं। भाई 2022 से लेकर 2023 तक 4 सालों में मात्र 2 बार सनराइजर्स हैदराबाद जीती है, बाकी 5 दफे दिल्ली कैपिटल्स का परचम लहरा है। लगातार 5 मैचेस दिल्ली ने जीते थे 2020 से, लास्ट सीजन में जाकर दिल्ली के मैदान पर सनराइजर्स हैदराबाद ने मैच अपने नाम किया था। तो ये छोटी सी एक फैक्चुअल बात आपके सामने मैंने रख दी है। अब इसके मद्देनजर रखते हुए दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे आईपीएल बोनांजा का पहला सवाल पूछ लेता हूं। इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम पावर प्ले में यानी कि पहले 6 ओवर में कितने रन बनाएगी, यह आपका पहला सवाल है, और जो रन का डिफरेंस है वो 5 रन के बीच में होना चाहिए, यानी कि 51 से 55 या 56 से 60, इस तरीके से आप अपना जवाब दे सकते हैं। तो पहला सवाल आपके समक्ष आ चुका है, लेकिन भैया दूसरा सवाल भी अभी आपका इंतजार कर रहा है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, दोनों सवालों के जवाब एक साथ देने हैं और सही होता है तो आपको मिलेगा कैश प्राइज, और उसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे जिसके थ्रू हम आपको आपकी धनराशि प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले दिल्ली कैपिटल्स की बात करता हूं। भाई अगर आप प्रोबेबल प्लेइंग 11 पे नजर डालें तो दोस्तों कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले थे। डेविड वॉर्नर की इंजरी के चलते वो कब तक गेम से बाहर रहेंगे वो देखना होगा। फिलहाल के लिए पृथ्वी शॉ के साथ जैक फ्रेजर आ सकते हैं, और फ्रेजर का अगर आप बल्लेबाजी देखें तो एलएसजी के खिलाफ इन्होंने 55 रन बनाए थे, अच्छा प्रदर्शन है, और एक बार फिर हम उसी पारी को कंटिन्यू होते देखना पसंद करेंगे। जैक फ्रेजर के पास काफी काबिलियत है और पृथ्वी शॉ के साथ मिलकर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अब अगर मैं शॉ की बात करूं तो 43 रन इन्होंने सीएसके के अगेंस्ट बनाए थे, 66 रन एमआई और 32 रन इन्होंने एसजी के खिलाफ बनाए थे। ही इज लुकिंग गुड, अच्छी लय में नजर आ रहे हैं, टॉप ऑर्डर में ये रन स्कोर कर सकते हैं इन दिस अपकमिंग कॉन्टेस्ट। बट दिल्ली की जब हम बल्लेबाजी की बात करते हैं तो 2-3 ही बैटर ऐसे हैं जिन पर आप रिलाई कर सकते हैं, और उसमें से है एक ऋषभ पंत। पंत की बल्लेबाजी ओवरऑल डिसेंट रही है, लगातार 2 हाफ सेंचुरी आई थी, पहली इन्होंने सीएसके और दूसरी केकेआर के अगेंस्ट हाफ सेंचुरी जड़ी थी, और एलएसजी के खिलाफ इन्होंने शानदार 41 रन बनाए थे। तो वी कैन एक्सपेक्ट अनदर गुड नॉक फ्रॉम ऋषभ पंत एज वेल। भाई पहले तो जीटी को धराशायी कर दिया और 90 रन के आसपास उन्होंने स्कोर किया जो कि आईपीएल 2024 का सबसे लोएस्ट स्कोर रहा है अभी तक, और मात्र 8 ओवरों में इन्होंने शायद रन स्कोर कर मारे थे जो इन्होंने जीत दर्ज करी थी। तो
दिल्ली काफी ज्यादा बूस्टअप होगी और अब जब मुकाबला अपने घर पे है दिल्ली डेफिनेटली भाई फ्रंट फुट पे आकर गेम खेलना चाहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे बल्लेबाज की। दोस्तों भाई लोग जब मिडिल ऑर्डर की बात आती है तो ट्रिस्टन स्टब्स पर भी आप भरोसा कर सकते हैं क्योंकि स्टैट्स आपके सामने हैं। 3 पारियां इन्होंने शानदार खेली हैं, 44 रन आरआर के खिलाफ, केकेआर के खिलाफ 54 और 71 रन इन्होंने मुंबई के खिलाफ बनाए थे। यहां पर आप बल्लेबाजी में देख चुके हैं पृथ्वी, जैक फ्रेजर टॉप ऑर्डर में और ऋषभ पंत एंड ट्रिस्टन स्टब्स आपके आ जाते हैं इन द मिडिल ऑर्डर। अभिषेक पुरेले कैसे बल्लेबाज होंगे जिन पर सबकी निजाएं डेफिनेटली होने वाली है। छोटी छोटी अहम पारियां इन्होंने खेली है। 41 रन की मेन सबसे पहले इंपॉर्टेंट पारी तो इन्होंने एमआई के खिलाफ खेली थी, बट वो मुकाबला भले ही डीसी हारी जरूर थी बट उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था। ये तो होती है बात बल्लेबाजों की। अब बढ़ते हैं गेंदबाजों की। भाई लोग सबसे पहला नाम तो मैं खलील अहमद का लूंगा। अगर आप देखें तो इनका प्रदर्शन थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छा रहा है। हर 3 मैचेस में तो इन्होंने 2-2 विकेट निकाले और बाकी के 4 मुकाबलों में इनके खाते में आए हैं 1-1 विकेट। वहीं दूसरे गेंदबाज अगर आप देखें तो वो हो सकते हैं ईशान शर्मा। इन्होंने 2 विकेट निकाले थे केकेआर के अगेंस्ट और 2 विकेट लास्ट मैच में जीटी के खिलाफ निकाले हैं। तो ये 2 बॉलर्स तो डेफिनेटली आपकी फैंटेसी टीम का हिस्सा बन सकते हैं अलॉन्ग विद भाई कुलदीप यादव। कुलदीप यादव भले ही लास्ट मैच में 1 भी विकेट नहीं ले पाए थे बट इनके खाते में अभी भी भाई टोटल 6 विकेट है। और एक बार फिर हम कुलदीप यादव को तो डेफिनेटली अपनी फैंटेसी टीम के लिए कंसीडर कर सकते हैं अलॉन्ग विद मुकेश। भाई मुकेश का भी प्रदर्शन अच्छा रहा है, इन्होंने 7 विकेट चटका दिए हैं। 3 विकेट तो इन्होंने सीएसके के खिलाफ निकाले थे और 3 विकेट भाई ये चटका चुके हैं जीटी के खिलाफ। अब भाई लोग मैंने आपके समक्ष तो बल्लेबाज गेंदबाज रख दिए हैं, आप अब इन स्टैट्स को और अपनी क्रिकेटिंग नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए आप बेहतर फैंटेसी 11 बना सके यही कामना है मेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इनके ओपोनेंट्स पर फोकस करते हैं। एसआरएच सनराइजर्स हैदराबाद, भाई लोग ये एक अलग लेवल पर खेलती नजर आ रही है और बड़े बड़े सूरमाओं को इन्होंने शांत कर रखा है, चाहे वो चेन्नई सुपर किंग्स हो, मुंबई हो या फिर आरसीबी। लास्ट मैच तो देख लिया था भाई सभी ने, ट्रेविस हेड ने भूत बना दिया था सबका। तो हाल फिलहाल सनराइजर्स हैदराबाद एक बार फिर डीसी के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर सकती है, इसकी सभी को उम्मीद होगी। और ये जो 3-4 खिलाड़ी हैं, चाहे मैं ट्रेविस हेड की बात करूं जिन्होंने लास्ट मैच में 102 रन बनाए हैं और एमआई के खिलाफ इन्होंने खेलना शुरू किया था, पहला मैच नहीं खेले थे, उसके बाद 62, 31 रन सीएसके, 21 रन पीबीकेएस के खिलाफ बनाए, तो अब जाकर एक बार फिर ये लय में नजर आ रहे हैं। अब अभिषेक शर्मा एकमात्र ऐसे भारतीय खिलाड़ी है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, टॉप ऑर्डर में ट्रेविस हेड का अच्छा साथ दे रहे हैं। स्टैट्स की बात करी जाए तो अभिषेक ने 63 रन बनाए थे मुंबई के खिलाफ और 37 रन की पारी सीएसके और 34 आरसीबी के खिलाफ बनाए हैं। छोटी छोटी पारियां यहां पर पिछले 2-3 में हमने देखी है अभिषेक की तरफ से और इस दौरान गेंदों का इस्तेमाल इन्होंने बेहद कम किया है, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर बनता है एसआरएच के लिए। वहीं अगर हम मिडिल ऑर्डर पे जरा थोड़ा सा फोकस करें तो यहां पर आपको एडन मार्करम, हेनरिक क्लासेन के ऑप्शन मिलते हैं। भाई क्लासेन भी नेक्स्ट लेवल खेलते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, 63 रन केकेआर देन 80 अगेंस्ट एमआई और लास्ट मैच में आरसीबी के अगेंस्ट 67 रन धुआंधार खेला है। तो मिडिल ऑर्डर में ये तीसरा ऐसे बल्लेबाज है जिन्हें आप सेलेक्ट कर सकते हैं अलॉन्ग विद एडन मार्करम। भाई लोग मार्करम एक ऐसे बल्लेबाज है जब ट्रेविस हेड या क्लासेन जैसे बल्लेबाज नहीं चलते, मार्करम ने आगे बढ़कर टीम को सपोर्ट किया है और इसका एग्जांपल सीएसके के अगेंस्ट खेली गई हाफ सेंचुरी आप ले सकते हो जिसमें 50 रन इन्होंने बनाए थे, उससे पहले 42 रन इन्होंने एमआई के अगेंस्ट भी ठोके हैं। तो एक और महत्वपूर्ण बल्लेबाज है एसआरएच की ओर से। अब यहां पर इनमें से कुछ एकाध बल्लेबाज ना भी चले तो लोअर मिडिल ऑर्डर में आपको अब्दुल समद का ऑप्शन मिल जाता है। उन्होंने भी पिछले मैच में भाई देखा था कि जो स्कोर 287 पर पहुंचाया था उसमें बेहद अहम योगदान निभाया था अब्दुल समद ने, तो बल्लेबाजी टीम की अच्छी है। अब बढ़ते हैं गेंदबाजी की ओर। भाई लोग क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो, क्या एसआरएच का बॉलिंग अटैक चाहे वो पैट कमिंस हो चाहे डीन नटराजन टीम में मौजूद है, भुवनेश्वर कुमार है, लेकिन बल्लेबाजी जब इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है ना तो उसके कंपैरिजन में गेंदबाजी उस लेवल पर हमें नहीं दिखी है। भाई मुंबई के अगेंस्ट इन्होंने अच्छे रन बनाए थे बट मुंबई भी 250 रन ठोकने में सक्सेसफुल हुई थी। उसके अलावा आरसीबी भी अगर आप देखें 287 रन मारे थे उसके खिलाफ, आरसीबी भी भाई शानदार रन ठोकती नजर आई थी। भले ही एकमात्र बल्लेबाज दिनेश कार्तिक चले बट चले, तो यहां पर पैट कमिंस भी आरसीबी के अगेंस्ट अगर आप स्टैट्स देखोगे तो भले ही 3 विकेट चटकाए थे लेकिन इकोनॉमी इनकी बनी गई थी। ओवरऑल पैट कमिंस तो लगातार विकेट चटका ही रहे हैं। दूसरा नाम मैंने लिया है टी नटराजन का। नटराजन ने टोटल 6 विकेट लिए हैं, 2 मैचेस वो नहीं खेले थे, उसके अलावा ये अगर आप देखें तो 4 मैचेस में 6 विकेट चटका चुके हैं। इन दोनों गेंदबाजों के अलावा मैं मयंक मारकंडे को जरूर सेलेक्ट करना चाहूंगा जिन्होंने अहम विकेट निकाले हैं। टोटल अगर आप देखें तो 5 विकेट इनके खाते में है और 5ों के 5ों अहम विकेट रहे हैं भाई मयंक मारकंडे के लिए। तो ये तो 3 हो गए गेंदबाज। अब यहां पर दोस्तों भुवनेश्वर और जयदेव, इन दोनों को भाई आप अपनी सिक्स सेंस का इस्तेमाल करते हुए क्या आपको लगता है ये 2 गेंदबाज इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में विकेट निकालेंगे, ये निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं। हाल फिलहाल आईपीएल बोनेंजा का सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं। दूसरा सवाल है, इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में आखिर प्लेयर ऑफ द मैच कौन होगा?
ये आपके आईपीएल बोनांजा का दूसरा और आखिरी सवाल। भाई दो ही सवाल मैंने आपसे पूछे, उम्मीद करता हूं आप में से कुछ ऐसे लकी विनर होंगे जो कि सही जवाब दे पाएंगे और जीतेंगे कैश प्राइज। तो दोस्तों फाइनली अगर कंक्लूजन की ओर मुड़े तो दिल्ली लास्ट मैच में जीडी को पूरी तरीके से नेस्तोनाबूद करते हुए अच्छी लय में नजर आ रही है, कॉन्फिडेंट होगी। तो वहीं एसआरएच ने सभी को शांत किया हुआ है। पंडरा अभी भी एसआरएच का भारी है, फेवरेट अभी भी एसआरएच है और लास्ट सीजन में एसआरएच ने दिल्ली को दिल्ली में शिकस्त दी है। तो काफी हद तक एसआरएच का पंडरा जो है वो भारी नजर आ रहा है। और इसी के साथ दोस्तों वीडियो पर लगाता हूं लगाम, लेकिन क्रिकेट की तमाम अपडेट्स आपको सीएलजी पर मिलती रहेंगी। तो उसके लिए सीएलजी को फटाफट से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।